है आपका हमारे YouTube चैनल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे घाव कैसे भरें, यानी कि किसी बच्चों को या बड़ों को कोई चोट लग जाती है तो घाव बन जाता है, तो उस घाव को आप बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं और उसके दर्द को दूर कर सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के पास जाए। तो इस नुस्खे को आप कैसे और किस प्रकार इस्तेमाल में लाएंगे, यह सब हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए यहाँ बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखें ताकि आपको सब अच्छे समझ आ जाए कि आपने इस नुस्खे को कैसे और किस प्रकार इस्तेमाल करना है। यह नुस्खा बताने से पहले मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल घरेलू नुस्खे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों की जानकारी हमारे इस चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने लेनी है बारीक पीसी हुई हल्दी। हल्दी हर घर में मिल जाती है, तो जहाँ कहीं आपको घाव हुआ है उस घाव को अच्छे से वॉश करके और साफ कॉटन से उसको पोंछ के अब उस घाव वाले स्थान पर हल्दी से उस घाव को अच्छे से भर दें और भरने के बाद ऊपर से सरसों के तेल की 2 से 4 बूंदें डाल दें ताकि ये हल्दी जो सूखी डाली हल्दी डाली है आपने वो नीचे ना गिरे, ताकि आपका जो भी घाव है घाव वो अच्छे से भर जाएगा हल्दी की सहायता से और ऊपर से आपने सरसों का तेल डाल के लेप कर देना है। तो इस नुस्खे को आप दिन में 3 से 4 बार अवश्य उस घाव पर लगाएं हल्दी को और 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ही आपका घाव वो अच्छे से भर जाएगा और वो बिना किसी निशान के छोड़े। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सब अच्छे समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं तो बेझिझक पूछ सकते हैं, हम आपके सेवा में हाजिर हैं। तो जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही नुस्खों की जानकारी हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इसी तरह किसी अन्य नुस्खे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।